हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट मदर हु लव्स कुकिंग। तो थंबनेल से तो पता चल ही हो गया होगा आपको कि आज हमारे घर पड़ने वाला है अचार। जी हाँ, तो मैं डाल रही हूँ आम और कटहल का मिक्स अचार। देखिए, कटहल देख के लीजिएगा, जो देसी कटहल हो और ताजा कटहल हो, जो काटने पे ऐसे रेड हो जाए वैसे। वाइट वाले कटहल बिल्कुल मत लीजिएगा। तो उनको सबसे पहले कटा हुआ, मतलब मार्केट में ईजिली मिल जाता है, धुल के एक दिन पूरे धूप में सुखा लिया था मैंने, जिससे पानी उसका सारा का सारा निकल गया था। तो उसके बाद क्या गया था, मैंने उसमें नमक हल्दी मिलाया था। तो देखिए, आम और कटहल के जो पीसेज हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच ही हल्दी डाला था। उसको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको ढक के हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा ना, जो थोड़ा बहुत पानी बच गया रहेगा आपके अचार में वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको ढक के हम आराम से छोड़ देते हैं पूरी नाइट के लिए। तो ये देखिए कुछ ऐसा हो चुका है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकला था क्योंकि ऑलरेडी हमने सुखा लिया था इसको धूप में। और मेरे बेटे ने क्या किया था, धनिया पाउडर पहले ही डाल दिया था इसमें। तो ये कुछ मसाले हैं, जैसे राई ले लिया था मैंने, और अजवाइन, कश्मीरी लाल मिर्च, सरसों, जीरा, सौंफ और मंगरेल। कितनी क्वांटिटी ली थी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। और ये है मेथी दाना, ठीक है। तो इन मसालों को हम, जिसमें से कुछ मसाले भून के पीसेंगे, कुछ नहीं। ये हमारा है लहसुन और हरी मिर्च, जिसमें से मैंने 6 लहसुन की गांठें ली थी और 100 ग्राम हरी मिर्ची ली थी। और ये तीखी वाली लाल मिर्च है, तो मैंने 1 चम्मच भर के तीखी वाली लाल मिर्च डाली थी। फिर से 1 चम्मच हल्दी डाली थी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच सौंफ 1 चम्मच कर लीजिएगा, 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मंगरेल डाला था, 1 चम्मच काला नमक डाला था, 2 चम्मच सेंधा नमक डाला था। और ये हैं हमारे मसाले जिनको मैंने मिक्स करके पीस लिया था। तो ये पिसे हुए मसाले हैं, इनको हम 6 चम्मच डालेंगे इसमें। और डालेंगे 1 चम्मच हींग। देखिए, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी नमक सुखाते वक्त भी डाला था, इसलिए मैंने नमक यहाँ पे कम डाला था। और मैं यूज़ कर रही हूँ नेचर फ्रेश का प्रीमियम कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। मैं बहुत काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो ये नया है, ज़्यादा झाज 100% प्योर है, ये तो ये शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे डालेंगे, आप चाहें तो इसको नॉर्मल वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे हम पहले थोड़ा सा करेंगे गरम। उतना गरम करेंगे कि बस सुनसुना सा, खौलाना नहीं है, तेल को पकाना नहीं है। फिर गरम गरम तेल हम अचार पे डालेंगे और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स 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 मिक्स, मतलब इतने अच्छे से मिक्स करना है कि मसाला जो है अचार पे अच्छे से कोट हो जाए। और कोशिश ये करिएगा कि गीले हाथ से अचार ना बनाएं, गीला बस चम्मच ना यूज़ करें, मतलब पानी के टच में अचार को मत लाएं। तो ये हमारा अचार बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और इस समय ही इतनी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ना आपके अचार से, कि आपका मन करेगा कि अभी से खाना स्टार्ट कर दो। तो फिर इसको अच्छे से हम ग्लास के जार या मर्तबान में रख के इसे धूप में पकाएंगे। 1 हफ्ते तक तो मैंने इसे बाहर ही छोड़ दिया था, सुबह शाम धूप लगती थी जो भी था। उसके बाद से 1 हफ्ते बाद देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा अचार। आम तो बिल्कुल ही पक चुका है, कटहल में अभी थोड़ा बाकी है, तो 2-3 हफ्ते में यह अचार परफेक्टली खाने लायक हो जाएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को इस समर में ट्राई करिए, बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी टाइम चलेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।